तो दोस्तों यार, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। एडमिशन का टाइम चल रहा है, काफी सारे स्टूडेंट की लगातार क्वारी जा रही है एडमिशन से रिलेटेड कि भैया कब मेरिट लिस्ट आने वाली है, कब एडमिशन होगा। स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की आज अपन बात करने वाले हैं। पहले यूजी के बच्चों की बात कर लेते, बाद में पीजी के बच्चों की बात कर लेंगे। स्पेशली यहाँ पे यार बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, 5 साल के कोर्सेज है, जहाँ पे आपको यूजी पीजी दोनों डिग्री दी जाती है। तो इसके अंदर क्या सारा सीन है, कैसे एडमिशन होगा और क्या सारा प्रोसेस है, उस तो इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि यूजी पीजी के रिलेटेड आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 4 नवंबर को आने वाली थी, हालांकि उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे एक नोटिस पब्लिश हो रहा है, सीट अलॉटमेंट या एडमिशन ओपन लिस्ट तो फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम विल बी पब्लिश ऑन 8 नवंबर 2022 5 PM। ओके, तो 8 नवंबर को 5 बजे आपकी जो है मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों को अपनी रैंक वगैरह पता चल गई होगी, पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी तो किस बच्चे की कौन सी रैंक है वो आप लोगों को दिख गया होगा इस वेबसाइट के अंदर। अब यार हम पीजी वाले बच्चों के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब यूजी वालों के जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है हम आपको बता देंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये शो कर रहा है कि 8 तारीख को आपकी यूजी की मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। पीजी के बच्चों के लिए क्या अपडेट है, तो आपके जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो गाइस पीजी के लिए भी देख लेते हैं। तो यार पीजी वाले बच्चों के लिए हालांकि यहाँ पे जो है बहुत सारी पीडीएफ लिस्टें आ चुकी है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है, आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पे शो की गई है। यहाँ पे जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि काफी कम बच्चों की जो है तादाद रही यहाँ पे ड्यू टू फाइनेंशियल स्पेशली इशू, ये काफी बड़ा कारण रहा है अप्लाइंग इशू के अंदर, क्योंकि कॉलेज ने जो है 1000 रुपये में सिर्फ 3 कोर्स के लिए ही अप्लाई करने का मौका दिया है, जिसके अंदर जो है काफ़ी बड़ा इशू रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चों ने फिर भी अपनी रुचि दिखाई है एडमिशन के लिए और यार कॉलेज में इन्वेस्ट किया बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है मार्क्स वगैरह शो नहीं हो रहा होगा, एक बड़ा इशू दिख रहा है। मार्क्स वगैरह यार आप लोगों का शो हो नहीं रहा है, इसका मेन रीजन मैं बताता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो सारी की सारी डिटेल है वो हमने इंडिविजुअल फिल की थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास एनटीए का या फिर सम्राट पोर्टल का कोई भी एक्सेस नहीं था, तो हमने जो इंडिविजुअल वहाँ पे डिटेल डाली, फिर इन लोगों ने जो है एनटीए की वेबसाइट से वेरीफाई किया। तो जिन भी बच्चों ने वहाँ पे डाला है वो हो सकता है रोंग डाल दिया और रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर, तो बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे नाम तो शो कर रहा है लेकिन मार्क्स वगैरह नहीं शो कर रहे हैं। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो अपनी सही डिटेल जो अपने डिपार्टमेंट को या फिर हेल्पलाइन पे ईमेल कर दें ताकि आपका जल्द से जल्द जो है रिजोल्यूशन किया जाए। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत पुराना डाल दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपने 1 अप्रैल के बाद अगर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लिया है तो वो आप उन लोगों को मेल कर सकते हैं, वरना आपकी कैटेगरी वाली जो रिजर्वेशन होता है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको जो सीट है वो जनरल बेसिस पे मिलेगा। इस बात का सारे बच्चे ध्यान रखेंगे और बखूबी ध्यान रखेंगे, तो जस्ट इसको इम्पोर्टेंट बेसिस पे लेंगे सारे के सारे बच्चे। इसके साथ ही जिन भी बच्चों को पता नहीं होता है कि भैया मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, किस कॉलेज में होगा, कैसे होगा, तो वो जो हमारा पेड काउंसलिंग प्लान में भी एनरोल कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जिसके अंदर हम आपको हर कॉलेज की अपडेट देते हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है, ठीक है, कितनी कॉलेज कितनी सीटें अभी बची हुई है, कब कब किस कॉलेज में ओपन काउंसलिंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो क्लासें स्टार्ट हो गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लासें स्टार्ट हो गई है और भी बहुत सारे कॉलेजों में जो है क्लासें स्टार्ट हो गई है। तो इन सारी बातों को सारे के सारे बच्चे जो है महत्वपूर्ण तरीके से लेंगे। और भी कोई क्वारीज है तो आप लगातार हमें बताते रहिए, हम आपकी हेल्प करते हैं। हम बहुत सारे काउंसलिंग चार्ज भी रहते हैं, बहुत सारे बच्चे गुस्सा भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे खुश भी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं मेरे को, भैया आप फ्री कोर्स काम नहीं करते हैं, हम आपसे चार्ज करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, हमें फ्री में गाइडेंस दी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप पैसे लेते हैं, राइट। तो यार ऐसा इश्यू चलता रहता है, ठीक है, हमारे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके वीडियो शूट करने के लिए इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है,
YouTube नॉट प्रोवाइड एनी इनफ मनी रिगार्डिंग दिस स्टूडियो एंड कैमरा एंड माइक एंड अदर, कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता। इसके साथ ही जो हम आपकी पूरी डेटलाइज एनालिसिस करते हैं, आपसे कॉल पे बात करते हैं, आपको जो है 24 hours लाइव सपोर्ट मिलता है, ठीक है, जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी मेहनत करते होंगे यार, 24 घंटे आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ तो चार्ज लेंगे ही, मतलब फ्री कॉस्ट तो कैसे पॉसिबल हमारे लिए। और भी कोई क्वारी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसके साथ ही CUET UG PG के व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएंगे, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द CUET अपडेट्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, धन्यवाद, थैंक यू।